हेलो दोस्तों, मैं राजेश केसर आप सभी का स्वागत करता हूँ बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो सेशन में हम विद्या मैगजीन में जो अर्थमेटिक दी हुई थी उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। 36 क्वेश्चन तक मैं डे वन और डे टू में करा चुका हूँ, जिसकी इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। जो आगे के DI हैं उनको भी मैंने पूरी करवा चुका हूँ, DI वो भी इसी प्लेलिस्ट में। स्टार्टिंग में DI मिलेंगी, उसके बाद ही अर्थमेटिक स्टार्ट हुआ है। एक बात बताना चाहता हूँ, मैं अर्थमेटिक के लिए जो मेंस की करते हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई प्री की मत करो, मेंस की ही करो, पर जो एक मतलब जिनका प्री में हो काफ़ी अच्छे से प्री निक की मैथ्स हो चुकी है, अर्थमेटिक हो चुकी है, उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेंस में कुछ अलग से नहीं करना है आपको। मेंस में कुछ अलग से नहीं करना है, अलग से यही करना है कि जो प्री के 5 क्वेश्चन होते हैं ना, 5 प्री के क्वेश्चन, उनको मिला के मेंस का 1 क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप मेंस का 1 क्वेश्चन बना रहे हो तो वहाँ पे प्री के 5 क्वेश्चन सीख रहे हो। ये नहीं है कि आप मेंस का कर रहे हो तो प्री से हट जाओगे, प्री का कर रहे हो तो मेंस, प्री का कर रहे हो तो भी मेंस से कनेक्टेड रहोगे, बट ऐसे नहीं कि मतलब कैसे यूज करोगे मेंस के क्वेश्चन में, वो नहीं हो पाएगा। जब अगर आप मेंस का कर रहे हो ना, तो उस टाइम पे आपको 3 4 से 5 क्वेश्चन प्री के ऐड हो जाएंगे, तो वहाँ पे प्री का भी साथ में चलता रहेगा, मेंस का भी साथ में चलता रहेगा। बस इतना कहना है, बाकी देखो सब अपने हिसाब से पढ़ते हैं। बढ़िए, आइए देखते हैं आज की पहली DI। बोट ए कैन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 182 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। बोट ए है वो 182 किलोमीटर कहाँ जाती है, अपस्ट्रीम में जाती है, 126 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाती है, तो उसको टोटल कितना टाइम लगता है, 10 आवर लगता है। 182 कहाँ जा रही है, वो अपस्ट्रीम में जा रही है। 126 कहाँ जा रही है, डाउन स्ट्रीम में, तो उसको कितना टाइम लगता है, 10 आवर लगते हैं। ठीक है, व्हाइल द सेम बोट कैन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 322 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 322 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाती है, 324 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाती है, ओके, तो इसको कितना, 20 आवर और 30 मिनट लगते हैं। 30 मिनट मतलब आधा घंटा, तो 20 आवर प्लस आधा घंटा मतलब 20.5 आवर, 20.5 आवर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 41/2 आवर लिख सकता हूँ। स्पीड ऑफ बोट बी, अब यहाँ पे बोट बी की बात आ गई और फिर आ गया, तो बोट ए के लिए कुछ देर का है, बोट ए के लिए कुछ नहीं देर का, एक लाइन देर के। स्पीड ऑफ स्ट्रीम फॉर बोथ द बोट्स आर इंटीजर वैल्यू, सेम नहीं इंटीजर वैल्यू होगी, सेम का नहीं बोला है, इंटीजर वैल्यू का बोला हुआ है। ठीक है, अब आपके सामने एक तो ये आ गया कि अब ये इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन आप सॉल्व कर लो। एक तो मेथड ये होता है डायरेक्ट, एक जो अपन प्री में लगाते हैं, प्री में क्या लगाते हैं अपन, ये क्या है 182 है, तो ये कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, जैसे 91 × 2 है, 13 × 7 × 2 हो गया, ये इसका ये मल्टीपल है, तो इसके किसी ना किसी मल्टीपल से यहाँ पे अपस्ट्रीम की वैल्यू आएगी। ये तो हम प्री में करते हैं, तो वहाँ पे उस हिसाब से डाउन स्ट्रीम की वैल्यू देख लेते हैं, फिर जो सेटिस्फाई हो जाता है वही हमारी वैल्यू हो जाती है। फिर उसको उन्हीं वैल्यू को यहाँ रख के देखते हैं, अगर दोनों दोनों इक्वेशन में अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू हो जाती है, वरना हम दोबारा चेक करते हैं। वो तो प्री के लिए होता है, प्री में डायरेक्ट मल्टीपल भी मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, मतलब प्री में है ना, मतलब डायरेक्ट मल्टीपल मिल जाते हैं, मेंस में ऐसा नहीं होता है, रेयर चांस में ही कोई मल्टीपल देखने को मिलता है। तो मेंस में कैसे करेंगे, अब जैसे या तो यही बात आ गई कि दोनों इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक बनेगी, वहां से निकल जाएगा, बट हम वहां नहीं जाएंगे, हम ये देखेंगे कि 182 को क्या मैं 322 बना सकता हूँ कुछ मल्टीप्लाई करके। तो आप कहोगे कि देख लो 182 को 322 बनाना है, मतलब एक को क्या बनाता है, 322/182 बनाना है, तो ये कितने से कट रहा है देखो, 161/91, फिर आगे ये तो 91 क्या होता है, 13 × 7 होता है, 161 क्या होता है, 23 × 7 होता है, 7 से 7 कट गया, 23/13 रह गया, मतलब इस 182 को मैं अगर 23/13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास 322 बन जाएगा, बट यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर पॉइंट में चला जाएगा, ये तो मतलब वापस वही बात होगी, इससे अच्छा तो हम क्वाड्रेटिक ही कर लेंगे, अगर पॉइंट में जाएंगे तो इससे अच्छा हम क्वाड्रेटिक ही कर लेंगे। ठीक है, ये भी नहीं कर रहे हो तो 126 को 324 बना लो, 126 को 324 बनाओगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा देख लो, तो उसे कट के ये 63 और ये हो गया 162,
162 क्या होता है? 18 इंटू 9 होता है, और ये क्या होता है 63 क्या होता है? 9 इंटू 7 होता है, 9 से 9 कट गया तो 18 बाई 7, मतलब इसको अगर 18 बाई 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 324 बन जाएगा। इसको भी 18 बाई 17 से मल्टीप्लाई कर 7 से, तो ये 26 पर कट रहा है, मतलब पॉइंट में तो नहीं जाएगा। तो पहली इक्वेशन को, ये तो इक्वेशन एक आ गई, ये इक्वेशन दो आ गई, इक्वेशन जो वन है उस पूरी इक्वेशन को 18 बाई 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर 18 बाई 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या है यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी? नहीं, 182 अपॉन अपस्ट्रीम इनटू 18 बाई 7 प्लस 126 अपॉन डाउनस्ट्रीम इनटू 18 बाई 7 बराबर 10 इनटू 18 बाई 7। ये तो क्या हो गया 180 बाई 7 हो गया। यहाँ पे देखो कि 7 से कट किया तो ये कितना हो गया, 7 दो नहीं चौदह 26, 26 इंटू 18 क्या हो जाएगा 26, 18 इंटू 26 करना है 18, इसको क्या लिख दोगे 22 माइनस 4, इसको क्या लिख दोगे 22 प्लस 4, 22 का स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये कितना हो जाएगा 74, 74 से रह जाएगा तो कितना हो गया 468 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 468 हो गया, 7 तो कट ही गया था, डायरेक्ट वही लिख दो, मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट हटा दूंगा, 468 अपॉन अपस्ट्रीम, और ये कितना हो जाएगा 7 से कट करोगे तो ये कितना हो गया 7 एकम एक 856, 18 इंटू 18 324 होता है। अब ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन थर्ड मान लो। अब अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, थर्ड में से अगर टू घटाओगे, थर्ड माइनस टू कर दोगे तो क्या हो जाएगा, थर्ड माइनस टू कर दोगे तो ये वाला जो है ये कट हो जाएगा या नहीं होगा? क्योंकि सेम है, बिल्कुल कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा और ये बचेगा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बचेगी। तो ये तो कितना हो गया 468 माइनस 468 अपॉन अपस्ट्रीम माइनस 322 अपॉन अपस्ट्रीम इक्वल 180 बाई 7 माइनस 41 बाई 2, 180 बाई 7 माइनस 41 बाई 2 हो गया। अब इधर से नीचे से अपस्ट्रीम कॉमन आ जाएगा तो ये कितना हो गया 146 बराबर, ये कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा एलसीएम, इधर ये हो गया 360 माइनस 287 तो कितना रह गया 13 और 93 बाई 14 हो गया। तो अपस्ट्रीम की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ के ऊपर आपको 146 और 93 इंटू 14, कुछ कट रहा है क्या 31, 146 आएगा या 156 आएगा, तो कुछ कट ही नहीं रहा, अपस्ट्रीम पॉइंट में आएगा या 360 माइनस आते के में 7 दूनी 28 ठीक है 14 तो 13, 60 और 13 73 होता है ना, तो मैं सोचूं ये क्या हो गया 73, 73 से ये कट गया तो दो, तो ये कितना आ गया 28। अब ये किस में आएगा 28, ये आएगा किलोमीटर पर हावर में आएगा। अब ये कहोगे किलोमीटर पर आवर में क्यों आ गया, क्योंकि अपने को पहले ये क्या दे रखे थे सब किलोमीटर में दे रखे थे, फिर जो इस टाइम है वो किस में दे रखा है आवर में दे रखा है, ठीक है। तो अपस्ट्रीम की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से डाउनस्ट्रीम की वैल्यू आ जाएगी, ये अपस्ट्रीम की वैल्यू कितनी है 28 किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, आपको सबसे ईजी कौन सी लग रही है, इसमें लग रहा है, इसमें रख दो, ये कितना हो जाएगा डाउनस्ट्रीम निकालने के लिए 182 अपॉन 28 प्लस 126 अपॉन डाउनस्ट्रीम बराबर 10, इतना ही हो रहा है ठीक है। ये कितना बार कट रहा है 91 और ये 14, 7 से कट गया तो ये 13 और ये 2, मतलब 6.5 हो गया, तो 126 अपॉन डी बराबर 6.5 इधर आएगा तो ये 10 में से माइनस होगा, कितना रह गया 3.5। डाउनस्ट्रीम की वैल्यू क्या हो जाएगी 126 अपॉन 3.5, पॉइंट हटाओगे एक जीरो आ गया ऊपर नीचे, ये 7 और ये 0 से 2 आ गया, फिर आगे आते के मैं 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आओ। तो अपस्ट्रीम स्पीड तो आ गई आपके पास 28,
डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई आपके पास 36 किलोमीटर पर आवर। अब स्ट्रीम स्पीड आपको पता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड आपको पता है, तो बोट की स्पीड आपको पता लग जाएगी। तो ए बोट की स्पीड क्या आ जाएगी जो स्टील वाटर में, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम 36 प्लस 28 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा ये 64 हो गया क्या, 64 अपॉन 2 बराबर 32 किलोमीटर पर आवर। और जो स्ट्रीम की स्पीड होगी बोट ए के लिए वो कितनी हो जाएगी, स्ट्रीम की स्पीड 36 माइनस 28 डिवाइड बाई 2, तो कितनी हो गई 28 और 8 36 यानी 8 बटे 2 बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। ये अपस्ट्रीम की स्पीड होगी और नहीं सॉरी स्ट्रीम की स्पीड होगी और बोट की स्पीड किसके लिए आ गई अपने पास, बोट ए के लिए आ गई। अगर अपन बोट बी के लिए बात करें तो बोट बी के लिए अपने को क्या बोल रहे हैं, स्पीड ऑफ बोट बी इन स्टील वाटर इज 3/8 लेस देन स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टील वाटर, 3/8 लेस देन। उसकी स्पीड तो कितनी है, 32 माइनस 3/8 हो गया फिर, नहीं ये 32 माइनस 3/8 नहीं होगा, ये ऐसे हो जाएगा 32 अपॉन 8 इंटू 5 ये 3/8 लेस की जगह पे इनको बोलना चाहिए था, 3/8 फ्रैक्शन वाली चीज है ये, जो अपन 3/8 को लिख लिख सकते हैं 37.5% लेस देन बोला गया है उसकी स्पीड से, तो ये कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। उसके बाद क्या हो रहा है, बोट बी कैन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 78 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम एंड 249.2 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। 78 किलोमीटर तो कहाँ जा रहा है, अपस्ट्रीम में जा रहा है, 249.2 किलोमीटर किस में जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो कितना टाइम लगता है, 15 आवर और 24 मिनट, 15 तो हावर हो गए प्लस 24 को भी अगर आप आवर में चेंज करोगे तो डिवाइड बाई 60 कर दोगे, तो यहाँ से ये कितना आ गया, 12 दूनी 24 और ये 2/5, 2/5 कितना होता है 0.4, 15.4 हो गया। 15.4 को क्या लिख सकते हो आप, डिवाइड बाई अगर 5 करते हो तो 77/5 कर लोगे, 5 से इधर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया 35 और 7 8 5 40 390 बटे अपस्ट्रीम, प्लस ये कितना हो जाएगा 5 2 10 1 9 5 45 और 1 46 6 4 520 और 4 24 2 1246 अपॉन डाउन स्ट्रीम बराबर 77। तो आगे कुछ आ रहा है यहाँ से, अब अपन देखना चाहें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है दोनों में, 7 से किधर से कट रहा है, 7 से 11 से, ना 7 से कट रहे ना 11 से कट रहे, बाकी 13 से कुछ कट रहा है, 2 से कट रहा है 13 वाला, देखो 13 निमा का 117 76 नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं कट रहा, फिर सिर्फ 2 से कट रहा है, 2 से तो काट के वापस इधर लाओ चाहे, मतलब वो 77/2 हो जाएगा। नहीं तो अपस्ट्रीम को क्या लिख सकते हैं, जब बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 20 किलोमीटर है तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, अगर एक्स में स्ट्रीम की स्पीड मानता हूं तो 20 माइनस एक्स और डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी 20 प्लस एक्स हो जाएगी, तो ये क्या हो गया 390 अपॉन 20 माइनस एक्स प्लस 1246 अपॉन 20 प्लस एक्स बराबर 77। तो 20 माइनस एक्स प्लस और 20 प्लस एक्स दोनों को अगर एलसीएम लेते हो आप तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ट्वेंटी माइनस एक्स और 20 प्लस एक्स हो गया, तो 390 तो किससे 20 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 390 इंटू 20 करोगे तो कितना हो गया 7800 प्लस 390 एक्स हो जाएगा, उसके साथ ही प्लस है ना प्लस 1246, 1246 को अगर 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 24920 हो जाएगा, 2092 हाँ ठीक है माइनस 1246 एक्स,
77 है, ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स और 20 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 400 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको दूसरी साइड ले देता हूँ तो 77 के क्या मल्टीपल में आ जाएगा, 77 इंटू 400 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 00 728, 28 और 2 30,800 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 30,800 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 77 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी अभी 77 एक्स स्क्वायर इधर लेके हो गया, कितना रह गया प्लस 390 एक्स माइनस 1246 एक्स प्लस 7800 प्लस 2490 2920 माइनस 30,800 इक्वल 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही, कितनी होगी 77 एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना रह जाएगा 390, 1246 में से माइनस होगा तो माइनस का रहेगा पहली बात, तो कितना रह जाएगा 0 6 9 5 14 और 4 जाते 856 एक्स, और ये प्लस का रहेगा, अगर 7800 30,800 में से चला गया तो कितना रह गया माइनस का 23,000, माइनस का 23,000 तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 1920। अब एक काम तो ये हो सकता है कि ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, या फिर कई बार क्या होता है जो अपने को क्वेश्चन पूछे होते हैं ना डी के, उसके अंदर एक्स की वैल्यू मतलब ये पूछा होता है कि जो बोट बी के लिए स्टीम की स्पीड क्या होगी, तो वो अपन देख लेते हैं। बोट ए के लिए टाइम पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाई बोट बी टू कवर 204 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम, यहाँ भी नहीं है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम फॉर बोट ए। अब ये मैं बोलना चाह रहा था जो ये वाला है ना, अगर यहाँ के ऊपर ये बी का पूछा हुआ होता तो अपन ये जो अपने पास जो ये वैल्यू थी ना वो अपन उस इक्वेशन में रख लेते, जो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वो उसकी क्या हो जाती वैल्यू हो जाती। बट इन्होंने भी किसका पूछा है, ए का, इनको भी पता था कि ये तो चालाक बन सकते हैं तो मैं इनको चालाक बनने नहीं दूंगा। अब क्या होता है, अब ये एक इक्वेशन आ गई, आप बस इक्वेशन को आप कैसे सोल्व करते हो, अब ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आ गई ना, अब आप कहते हो कि हम अर्थमेटिक कर रहे थे हमारा क्वाड्रेटिक कैसे अच्छा हो गया, यहाँ से क्वाड्रेटिक अच्छा हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, इस 856 के ऐसे दो टुकड़े चाहिए कि उनका सम तो 856 हो जाए और उनका जो मल्टीपल है ना वो कितना हो जाए 77 इंटू 1920 हो जाए, ये इक्वेशन। तो अब ये कितना हो जाएगा, 77 को खोलो क्या हो जाएगा 11 इंटू 7 1920 कितना है, 4 से हटाओगे तो कितना रह गया, ये 4 चौक 16 480 480 फिर 4 से फिर 120 तो 4 30 2 तो 3 इंटू 5 इतना है। अब आपको क्या बोला था उसने, अब x की वैल्यू जो भी यहाँ पे ये टुकड़े आएंगे, मान लो ये 400 और 456 टुकड़े आए दो एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक तो होगी 400 बटे 77, एक होगी 456 बटे 77 होगी। इसने अपने को क्या बोला था, एक्स क्या है अपना स्ट्रीम की स्पीड है, इसने एक लाइन बोली थी देखो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम फॉर बोथ द बोट्स आर इंटीजर वैल्यू, मतलब जो भी स्ट्रीम की स्पीड आएगी वो 77 से कटने के बाद आएगी, मतलब 77 की मल्टीपल जरूर होगी, तो 11 इंटू 7 कितना होगा, एक तो 77 आएगा, इस 77 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करूंगा और एक यहाँ दोनों दो टुकड़े बनेंगे। अब 77 के साथ मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगी, जो बचा हुआ का मल्टीप्लाई होके दोनों का सम 856 हो जाए, तो ये कितना दो दो वाला कितना हो गया 4 4 16 64 64 इंटू 2 128 तीन इंटू पाँच है, तो यहाँ तीन ले लो यहाँ पाँच ले लो, ये तो जीरो आ रहा है लास्ट में और ये 21, तो दोनों का सम तो 6 हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में, ये तीन और ये पाँच करोगे तो ये तो 5 आ जाएगा लास्ट में और यहाँ पे 8 3 24 ये भी नहीं हो रहा। अगर एक काम कर सकते हैं, अगर पूरा 15 ही इसी साइड ले लेंगे तो 15 12 180 वैसे तो ज़्यादा चला जाएगा, अगर यहाँ से अपन 4 दे देते हैं तो ये कितना रह गया 32 और ये 4 पे तो नहीं बट 8 पे, इधर 8 कर देते हैं और यहाँ पे 16 कर देते हैं, अब क्या मल्टीपल 8 7 56 और 56 30, ये देखो सेटिस्फाई हो रहा है, बट पूरा करके देख लेते हैं इनका मल्टीपल कितना हो गया 8 7 56 ये 616 हो गया और ये 16 इंटू 15 कितना होता है 246,
तो 616 प्लस 240 कितना, 856, मतलब ये दो टुकड़े बनेंगे, तो दो टुकड़े क्या हो गए, 77x² माइनस 616x माइनस 240x प्लस 1920। तो x की दो वैल्यू क्या आ जाएंगी, एक तो 616 अपॉन 77 आ गया, एक आ गई 240 बाई 77। तो 240 बाई 77 तो कटेगा नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। अब x की वैल्यू ये होगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से कितने से 8 बार जा रहा है, x की वैल्यू क्या होगी, 8 हो जाएगी। हाँ लिखा है मैंने, बोट बी की स्पीड ये वाली 20 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ लिख लेता हूँ। बी की जो डाउन जो स्टील वाटर में स्पीड है वो कितनी होगी, 20, और जो स्ट्रीम की स्पीड है बोट बी की वो कितनी होगी, 8 होगी। तो अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट कितनी हो जाएगी, 20 माइनस 8 12 हो जाएगी। डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी कितनी हो जाएगी, 20 और 8 28। अगर अपने से ए से पूछे तो ए की अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, 32 माइनस 4 यानी 28 होगी। ए की डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, 32 प्लस 4 कितनी होगी, 36 होगी। तो अगर अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बोट ए इन 10 आवर इन स्टील वाटर। बोट ए की 10 आवर के अंदर स्टील वाटर में कितने डिस्टेंस कर लेगा, बोट ए की स्टील वाटर में स्पीड क्या है, आपको होगी 32। तो 32 की स्पीड से 10 आवर में कितने डिस्टेंस कवर कर लेगा, 320 किलोमीटर। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाई बोट बी टू कवर ए डिस्टेंस, बोट बी टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 204 किलोमीटर अपस्ट्रीम। बोट बी की अपस्ट्रीम स्पीड क्या है, 12, और डाउन स्ट्रीम स्पीड 28। डाउन स्ट्रीम कितना चल रहा है, 308, ये किस स्पीड से, 28 से, ऐसे ही कट किया, ये तो 11 बार हो गया, ये 12 से कट करोगे तो ये 17 बार हो गया। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 28 आवर, यानी सी ऑप्शन आ जाएगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम फॉर बोट ए, बोट ए के लिए स्ट्रीम की स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर। ये अपनी आज की यहाँ पे पहली डीआई कंप्लीट होती है 3 क्वेश्चन की। इसमें कम कम क्वेश्चन इसलिए रखे हुए हैं, वैसे 5 क्वेश्चन के डीआई होने चाहिए, 3 क्वेश्चन इसलिए रखे हुए हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा डीआई देख सकें, ज्यादा से ज्यादा डीआई सोल्व कर चुके। एक बार सोल्व हो गई उसके बाद तो 5 क्वेश्चन हो, 3 क्वेश्चन हो, 4 क्वेश्चन हो, 1 क्वेश्चन हो, कितने भी कर सकते हो ना, बट मेन काम क्या है, सोल्व होने का, सोल्व करना अपने को देखना है। हो सकता है इसमें आपको लगे कि काफी लेंथी अप्रोच है, बट इसके अलावा इसकी कोई बेस्ट अप्रोच नहीं है जिसमें कट नहीं रहे हो। डायरेक्ट मल्टीपल अगर मिल जाते हैं तो वो तो 1-2 मिनट का काम होता है, बट मेंस में आपको 1-2 मिनट वाली डीआई नहीं देगा कि जिसमें डायरेक्ट आपके कट हो जाए। सेकेंड डीआई देखते हैं आज की। अगर वो पहली डीआई आपको कहीं भी थोड़ा भी नहीं समझ में आ रही है तो आप एक बार उसको वापिस जरूर देख लेना, समझ में आएगी। इन 2020 रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ एबीसी 240, 240 और 241, ए बी सी, मेरी वजह से कटेगा, मैं थोड़ा साइड में लगा, ए बी और सी। ए की मंथली इनकम कितनी है, 240, बी की भी 240 और सी की 241। कब है ये, 2020 में इनकम है, उसके अलावा क्या बोल रहे हैं, रेस्पेक्टली एंड रेशियो ऑफ इंडिविजुअल मंथली इनकम ऑफ ए बी सी इन 2020 टू दैट ऑफ 2021। इंडिविजुअल का जो रेशियो है ना 2020 से 2021 का ए बी सी का, वो है ए का क्या है, 32-37, 32 2020 में, तो 31 या 7, 37 किस में हो जाएगी, 2021 में। तो 30 की वैल्यू क्या है, 240, मतलब 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 856 और 5, 835, 834 और 529, 296। अगर अपन बी की बात करते हैं तो बी के लिए क्या रेशियो दे रखा है, 62-103। 60 कितना हो गया, ये 60 की वैल्यू कितनी, 240, 103 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 412 हो जाएगी। इसमें मेरे को डाउट लग रहा है, 30 × 8, 856, 5 8 3 24, 5 29, ठीक है। ठीक के लिए बात करें 241 से 177, तो वो तो 241 ही है, और ये कितनी होगी, 177। तो ये क्या हो गया, 2021 की इनकम होगी। आगे क्या बोले, रेशियो ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इन 2020 वाज 7:4,
एंड मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ सी इन 2021 वाज 30% लेस देन एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इन 2020। रेशियो ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ सी इन 2020 एंड 2021 इज 91:77। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ सी इन 2020 वाज 32.5% ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर। आपस में सारे रिलेटेड चल रहे हैं अभी तक, है ना। इफ ए बी सी इन्वेस्टेड देयर मंथली सेविंग ऑफ ए मंथ इन 2021, 2021 के मंथ के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ए बी सी मंथली जो सेविंग है ना उसको तीन डिफरेंट स्कीम ऑफरिंग सिंपल इंटरेस्ट 10%, कंपाउंड इंटरेस्ट 10% एंड 15% सिंपल इंटरेस्ट में, एंड देन टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय ए बी सी टूगेदर एट द एंड ऑफ टू ईयर विल बी आर एस 2523। नोट, एक नोट लगा के बात बोल रखी है, नोट लगा के, और टोटल मंथली इनकम ऑफ ए बी सी इन 2021 वाज 22,125। टोटल मंथली इनकम की बात कर रहे हैं 2021 की, 2021 की टोटल मंथली इनकम ये है मेरे पास कितनी होगी, 7, 2, 9, 9, 6, 15, 5, 1, 18, 8, 8 और 1, 9, 9, 18, 1, 2, 4, 2, 6, 2, 885। 885 की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है क्वेश्चन ने, 22,125, 22,125 में। अब 885 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 22,125 आ जाए। 15 × 120 होता है, 25 × 200 होता है, 25 से इसको मल्टीप्लाई करना, 25 × 125 आता कि 12 हो गया, कितने 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे हो रहा है 25 से, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई इंटू 25। ये रेशियो भी इनके साथ ही मर जाएगी 240, 292, तो ये भी 25 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे सारे, ये क्या हो जाएगा इनकी ओरिजिनल इनकम हो गई, ओरिजिनल डाटा है, सही से लिख देता हूँ मैं, ये क्या ओरिजिनल डाटा है, इस डाटा में अब कोई चेंज नहीं होगा, ये रेशियो में नहीं है, इंटू 25 कहो तो डायरेक्ट मल्टीपल करके भी लिख सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीपल हो जाएगा, 25 को क्या लिख सकते हो आप 2/4 लिख सकते हो, तो ये कितना हो गया 240/4 करोगे तो 60, तो ये कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा, इसमें ये 4 से घटता नहीं है, तो 25 से मल्टीप्लाई कर लो, 240 × 25 कितना होता है 6,000, तो एक और ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 6,025, ये कितना हो जाएगा 4 से कट रहा है 700 × 28, 74, 7,700 हो गया, ये 4 से कट करोगे तो 103, 10,300, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 25 × 175, 5,17, 25 × 175 और 7, 182, 192, 19 × 25 और 9, 34 और 10, 44, 25, 19, 192, 25 × 175, हाँ ठीक है, ये इनकी मंथली इनकम हो गई। अब आगे अपने को क्या बोल रहा था स्टार्टिंग में, जो रेशियो ऑफ द मंथली एक्सपेंडिचर है ना ए एंड बी का इन 2020 वो कितना है 7:4, ए और बी का मंथली एक्सपेंडिचर बोल रखा है। एक मिनट, लास्ट वाली लाइन इंटरेस्ट वाली कुछ आ रही है क्या, If ABC invested their monthly saving of a month in 2021 in three different scheme offering simple interest of 10%, इसने 10% पे दे दिया simple interest, इसने 10% CI पे दे दिया, और इसने 15% SI पे दे दिया, क्या अपनी monthly saving दे दी, okay, तो total कितने 2 साल के लिए दे दी, 2 साल के लिए 10% की रेट के ऊपर ओवरऑल रेट कितनी हो जाएगी आपको 20%, इस पे कितनी हो जाएगी सीआई की कितनी हो जाएगी 21% हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सक्सेसिव लगता है, कैसे लगता है 10 + 10 + 10 × 10/100, तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और ये कितनी हो जाएगी 30% हो जाएगी, ऐसा ही तो डायरेक्ट हो जाता है, ये क्या है सेविंग है। अब सेविंग जैसे इसकी एक्स हो गई, इसकी वाई हो गई, इसकी जेड हो गई, 100x और 100y मान लो, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा यहाँ से 20x आ जाएगा, यहाँ से कितना आ गया
21y आ जाएगा और यहाँ से 30z आ जाएगा। तो इन तीनों का जो सम है ना, इन तीनों का जो सम है वो अपने को दे रखा है कितना, 2523। 2523 ये इन तीनों का सम है। तो ये अभी अपन नहीं देखेंगे, बाद में देखते हैं, पहले अपन यहाँ निकालते हैं कि कितना रह गया ये। ए और बी की जो 2020 में एक्सपेंडिचर का रेशियो वो कितना है, 7:4 है। मैं इनको येलो इंक से लिख लेता हूँ ताकि आपको रेशियो अलग से दिखता रहे। ये कितना है, 7 और ये 4, ये रेशियो में है, ठीक है। एंड मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ सी इन 2021 वाज 30% लेस देन एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इन 2020। ए और बी का जो मंथली का जो एवरेज है ना, ए और बी का जो एक्सपेंडिचर का एवरेज है 2020 का, उससे 30% लेस। ए और बी का कितना है, इसका 7 है, इसका 4 है, टोटल कितना हो गया, 11। एवरेज कितना हो गया, 5.5। इसका 30% लेस, 30% लेस यानी इसका 7/10। पॉइंट हटा दोगे, एक नीचे और 0 आ जाएगा, ये कितना हो गया, 7×5 35 और ये 3, 35 और 3 38, 385/100 ये हो गया। अब इसको कट किया तो ये कितना हो गया, 5 से कट हो रहा है, 7×5 77/20 हो गया। अब उसको पहले इस 20 से मल्टीप्लाई कर लो ना, ताकि ये 77 ही रह जाए अपने पास। अगर पहले ही इनको 20 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 140, और ये कितना हो जाएगा, 80 हो गया। इन दोनों का सम कितना हो गया, इन दोनों का सम देखोगे तो आप कितना हो गया, 220। इसका एवरेज कितना हो गया, 110। अब 110 से जो 2021 का सी का जो एक्सपेंडिचर है ना ये वाला, वो 30% लेस देने, यानी इसका 70% कितना हो जाएगा, 77। तो ये एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 77 आ गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं आपसे आगे, रेशियो ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ सी इन 2020 एंड 2021। सी का 2020 से 2021 का रेशियो कितना है, 91:77। 2021 का 2020 का तो 91 और 2021 का 71, तो 77 की वैल्यू मेरे पास 77 है, ये कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ सी इन 2020 वाज 32.5% ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बी इन 2021। जो बी का एक्सपेंडिचर है ना, उसका 32.5%, 32.5% कितना होता है, पहली बात तो ये आ गई। या तो देखो पॉइंट हटा के नीचे परसेंटेज हटा दोगे तो 1000 आ गया, यहाँ से निकालो। इसके अलावा अगर आप 32.5 को ब्रेक करते हो तो 20% प्लस 12.5% दिख रहा है, 20% कितना होता है, 1/5, 12.5 कितना होता है, 1/8, तो ये कितना हो जाएगा, 13/40 आ जाएगा। तो अपने को क्या बोल रहे हैं, जो सी का 2020 का जो एक्सपेंडिचर है ना, उसका 13/40 है कौन, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बी इन 2021। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ सी इन 2020 वाज 32.5%। जो बी का 2021 का है ना, बी का 2021 का कितना है, मान लो वाई है, तो इस वाई का कितना, 13/40 कौन है, 91 है। तो 91 से ये कट किया तो ये 7, तो ये 40×7 कितना हो जाएगा, 280। ये सारे सेम ही एक ही रेशियो में चल रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा अपन कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं। 2021 एक्सपेंडिचर ऑफ बी इन 2021 है ना, ये कितना है, 250% मोर देन द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए इन 2021। तो ए का 2021 में है ना, उससे 250% ज्यादा है, 250% ज्यादा मतलब कितना हो गया, 350% हो गया। तो 350% जो ए का है एक्सपेंडिचर, उसका 350% क्या है, 280 है। तो कितनी आ जाएगी ये वैल्यू, 280/350, तो 10 से 10, 5 से कट किया तो ये 2 आ गया, ये 7 आ गया, 7 से ही कट किया तो ये 40, 40×2 कितना हो जाएगा, 80। ए का एक्सपेंडिचर 2021 में कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई सारी। अब अगर जैसे इसको मैं यूनिट ले लेता हूँ, ये कितना हो गया, 140 यूनिट, ये 80 यूनिट, ये 91 यूनिट,
ये 80 यूनिट, ये 280 यूनिट और ये 77 यूनिट, बाकी कुछ रह तो नहीं गया। इफ ए बी एंड सी इन्वेस्टेड देयर मंथली सेविंग, उसके बाद डायरेक्ट सेविंग की बात कर रहे हैं, अगर ये एक्सपेंडिचर है 2021 का, तो 2021 की सेविंग कितनी हो जाएगी, ए की कितनी होगी, 7700 माइनस 80 यूनिट हो जाएगी। एक अलग पेन से लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कौन सा उठाऊ, ये वाला दिख रहा है, एक मिनट रुकना। इनमें से बता देना जैसे दो, जो दोनों पेन चलाए वो मेरे को, वो आपको ब्लैक तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। ये कितना हो जाएगा, 7400 माइनस 80 यूनिट हो जाएगा, सेविंग हो जाएगी ए की। बी की सेविंग कितनी हो जाएगी, 10300 माइनस 280 यूनिट हो जाएगी। सी की सेविंग कितनी हो जाएगी, 442 माइनस 77 यूनिट हो जाएगी। ये क्या होगी, सेविंग हो गई, ये सेविंग हो गई। अब जो सेविंग है ना उसको इन्होंने अलग अलग प्रॉफिट, अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर दिया। जैसे ए ने अपना है ना 10% एसआई के ऊपर किया 2 साल के लिए, एसआई के ऊपर किया 2 साल के लिए, तो कितना हो गया 20% हो गया ओवरऑल, तो 7400 माइनस 80 यूनिट, 7400 माइनस 80 यूनिट का जो 20% होगा, 20% प्लस, ये हो सकता है आपको नहीं दिखे, मैं यहाँ वापस वही कलर ले लेता हूँ, 10300 माइनस 280, 21%, 4425 माइनस 77 यूनिट, इसका कितना 30%, ये किसके इक्वल है, 2523 जो अपने को इंटरेस्ट दे रखा है यहाँ पे, ये रहा जो टोटल इंटरेस्ट होगा ना 2 साल का, वो कितना हो जाएगा 2523। तो ये एक इक्वेशन आ गई, यहाँ पे अपने पास एक वेरिएबल है क्या, यूनिट, तो यूनिट की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली, निकाल सकते हैं ना या नहीं, ये कितना हो जाएगा, कट करोगे तो 1/5 हो गया, 1/5 हो गया, तो 7400/5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 1 14 × 5 = 70, 1480 माइनस 16 यूनिट प्लस, ये कितना रह जाएगा, 2020 चला जाएगा तो 103 हो गया, माइनस 103 × 21 रहेगा, सॉरी ये 21 भी तो होगा, और ये कितना हो गया 280 यूनिट इंटू 21 बाई 100, तो 10 से तो 10 चला गया, कूपन 10 रह जाएगा प्लस 10 से 10 कट हो गई, तो ये कितना हो गया 4425 इंटू 3/10 माइनस 77 यूनिट इंटू 3/10 बराबर 2523। 10 का एलसीएम लेके उधर ही भेज देता हूँ ना मैं 10 का, तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 160 यूनिट हो जाएगा, फिर यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो 10 से 10 कट जाएगा, ये भी 10 से 10 कट जाएगा, ये भी 10 से 10 और ये की 0 इधर आ जाएगा, ये कितना रह गया, सॉरी दर्द दर्द कर रही है, सॉरी गाइस, 14800 माइनस 160 यूनिट प्लस, ये कितना हो जाएगा 0 × 63 और 21 माइनस 28 × 21 कितना हो गया, 21 × 8 168, फिर 16 × 21 = 42 और 16 588 यूनिट प्लस, ये कितना हो गया 44 × 3 = 75 132 75 माइनस 7 × 21 और 231 यूनिट बराबर 25230। तो ये टोटल कितना हो गया करोगे तो 8 और 3 8 और 1 9 6 और 8 14 14 और 3 17 1 2 5 7 7 और 2 9 979 यूनिट। 979 इधर माइनस का होगा तो दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो गया 979 यूनिट। इसको अपन इधर ले आएंगे तो ये कितना हो गया, पहले वाले 14800 21630 और 132 जितर हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 5 और 7 और 3 10 मतलब 1 3 6 3 9 और 8 17 1 4 4 8 1 9
49 इतना रह गया, इसमें से 25 230 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कितना हो गया, 5, 10 में से 3 गए 7, 7 में से 3 गए 4, में से 3 गए 4, 9 में से 5 गए 4, और ये 24475, 24475। तो ये मेरे को डायरेक्ट 25 का ही मल्टीपल क्यों दिख रहा है, कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, 24475 अपॉन 25। कट रहा है क्या? अरे नहीं, 979 रखना था ना नीचे। 979 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 25 निमा के 225, 22 25 175, 175 और 22 197, 19 रह गया। 25 निमा के 225, 225 प्लस 9, 234, 244 बिल्कुल जा रहा है। पता है मेरे को ये अंदाजा कैसे लगा कि ये 25 का मल्टीपल हो सकता है? इसमें क्या 5 का मल्टीपल है आपको? कि बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कितने का मल्टीपल आपको लास्ट में 75 दिख रहा है, मतलब 25 का मल्टीपल तो जरूर है। 25 इंटू 9 कितना होता है, 225 लगभग आसपास ही दिख रहा था, इसलिए मेरा ये अंदाजा लगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो बाकी जो भी यहाँ पे मेरे यूनिट में सबको अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं सबको इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 140 इंटू 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 80 इंटू 25 हो जाएगा, ये 91 इंटू 25 हो जाएगा, और ये 80 इंटू 25, और ये 280 इंटू 25, और ये 77 इंटू 25। 25 को क्या लिख सकते हैं, 100 बाई 4 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ के ऊपर 100 बाई 4 लिखोगे तो 4 से 70 और 3500, तो ये 3500 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, और ये 25 इंटू 9 कर लो इसको तो 225, और 25 इधर तो 227, ये कितना हो जाएगा, 2000, और ये हो जाएगा 7000, ये कितना हो जाएगा, 25 अंत 175, 175 इंटू 11 कर लोगे तो 5, 7, 5, 12, 8, 1, 9, 1925 रह गया। ये तो हो गया एक्सपेंडिचर्स पूरा आ गया। अगर अपन सेविंग निकालना चाहें सबके अलग अलग, तो जैसे 2020 में अगर अपन सेविंग देखते हैं तो 6000 अगर मंथली इनकम है, 3500 अगर एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 2500, ये कितनी, बी की कितनी हो जाएगी, 4000, सी की कितनी हो जाएगी, 0, 7, 5, 12, 3 गए 7, 6 में से 3 गए 3750। अपन यहाँ पे बी के लिए अगर बात करते हैं तो बी की कितनी हो जाएगी, सेविंग इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हो जाएगा, तो 7400 माइनस 2000 कितना हो जाएगा, 5400 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3300 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 00 और 514, 2500, और ये क्या आ गई, सेविंग आ गई। अब अपन पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल मंथली सेविंग ऑफ ए बी सी टुगेदर इन 2020, 2020 में टोटल मंथली सेविंग कितनी हो रही है। टोटल अगर मंथली सेविंग की बात करें, इसकी 2500, इसकी 4000, इसकी 3750, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 9000 तो ये हो गया, और बाकी कितना रह गया, 500, 500 हज़ार, 10000 और 10250, 10250 यानी सी आंसर हो जाएगा। टोटल मंथली सेविंग ऑफ ए बी सी टुगेदर इन 2021, 2021 में बात करें तो ये कितना हो गया, 0, 0, 5, 3, 8 और 4, 12, 3, 3, 6 और 5, 11200, 11200। सेविंग ऑफ ए इन 2020 इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट लेस एज कम्पेयर टू सेविंग बी इन 2020, सेविंग ऑफ ए इन 2020 कितनी है, 2500, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट लेस एज कम्पेयर टू सेविंग ऑफ बी इन 2021, बी की सेविंग कितनी है 2021 में, 3300, 3300 से ही कितना कम है, आप कहोगे 800 कम है, तो 800 3300 का कितना परसेंटेज है, अप्रोक्स परसेंटेज पूछा है, तो 800 बटे 33 तो कितना हो जाएगा, 33 दूनी 66, 66 कितना रह गया, 2, 4, 70, 70 तो 14, 140, 140 यानी 4, 3, 12, तो 2, 4 पॉइंट कुछ आएगा, 2, 4 पॉइंट कुछ यानी एक ही ऑप्शन बचा है अपने पास, बी ऑप्शन।
ये अपना 40, 41, 20, 42 तक का ये आंसर हो गया। तो ये DI थी, अच्छी DI थी, इसका ये एक सॉल्यूशन हो गया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता, एक बार रिपीट करके जरूर देखना, बहुत आराम से समझाया, जरूर आपको अच्छे से समझ में आएगा।